रखे, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? जाने क्यों नहीं दिया मुझे? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे पिया का घर और पिया का देश छोड़कर नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे पति राज की जिंदगी से नहीं जाने दूंगी। एक ही छत के नीचे राज जी के साथ अजनबी बनकर रहना अब मुझे मंजूर नहीं है। तुम उसी छत के नीचे रहोगी अपने पति के साथ, और इस बार अजनबियों की तरह नहीं, एक नॉर्मल हस्बैंड और वाइफ की तरह। दुल्हन की बची हुई हल्दी लेने आई थी ना तुम, मैं वही हल्दी लेकर आई हूं और तुम्हें लगाऊंगी इस उम्मीद के साथ कि तुम्हारा विवाह पुनर्विवाह होगा राज के साथ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यन्मङ्गलं महेन्द्रस्य प्राप्ते देवः समागमे श्रीविष्णुयमानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्। तदेव लग्नम् सुजनम् तदेव तारावलम् चन्द्रबलम् तदेव विद्याबलम् दैवबलम् तदेव लक्ष्मीपते दैवीवम् वरामि। जब तक तुम कुंवारी हो मैं भी कुंवारी रहूंगी, आई प्रॉमिस दैट। अब जब तक तुम्हारा पुनर्विवाह नहीं हो जाता मैं अपना विवाह नहीं करूंगी। क्या देख रही हो? मैं जानती हूं मेरा टीवी सीरियल छोटी बहू नहीं चल रहा है, और ना ही मैं किसी के लिखे हुए डायलॉग्स बोल रही हूं। मेरे दिल को जो सच लगा और मेरी आत्मा को जो सही लगा मैं वही कह रही हूं। मैंने रियलाइज किया कि मैं राज को छोड़कर गई, तुम्हारी शादी राज के साथ हुई और मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। अब मैं तभी सुकून से बैठूंगी जब तुम और राज एक हैप्पीली मैरिड कपल की तरह रहने लगोगे। कल शादी होने वाली है और हाथों की मेहंदी खराब कर दी तुमने मेरे खातिर। छोटी बहू, लगता है तुमने अपनी सीरियल को काफी सीरियसली ले लिया है। तुम्हें लगा तुम यू स्कूटर लेकर निकलोगी, राज की पत्नी से बात करोगी, फिर राज से बात करोगी और अगले एपिसोड में मेरे पति को मुझसे प्यार हो जाएगा, राजा रानी एक साथ मिलकर रहने लगे। वाओ, परफेक्ट स्टोरी With a perfect ending. असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है दिव्या, ये जिंदगी है, तुम्हारा कोई सीरियल नहीं है। यहाँ जो पत्नी घर छोड़कर जाती है तो वापस नहीं आती। यहाँ पति की प्रेमिका अपनी शादी की विधियों को आधा अधूरा छोड़कर अपने प्रेमी की पत्नी की मदद करने नहीं आती है। जाओ अपने घर, जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे। और अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया ना तो उसका भी श्राप मुझे ही देंगे, और भगवान ना करे अगर मेरे पति को कुछ पता चल गया ना तो वो हो जाएगा जो आज तक कभी नहीं हुआ, उनका हाथ मुझ पर उठ जाएगा। औरत पर हाथ नहीं उठा सकता है मेरा राज।
बस जाने तक रुक नहीं सकता था तू? आधी रात को अकेला छोड़ के आ गया उन्हें। अब भाभी जी ने बोला जाओ, मैं बोला रुकता हूँ, पर उन्होंने रुकने ही नहीं दिया। भैया, भाभी जी बहुत उदास दिख रही थी, एकदम रोनी जैसी सूरत थी, आप जल्दी से वापस ले आइए। मुझे पता क्या करना है, अपने काम से काम रख, दूंगा नहीं तो उल्टे हाथ की एक। चल जा। हल्दी से होली खेल रही हो या कल्पना में हल्दी लगा रही हो? कल्पना नहीं करूं तो क्या करूं? तुम सिर्फ नाटक में ही शादी करते हो, हल्दी मेहंदी गाना रोना मुस्कुराना सब नकली है। रियल लाइफ में कब अपनी दुल्हन बनाओगे? यू सो बोरिंग। आई एम बोरिंग। प्लीज छोड़ो, कोई आ जाएगा। राज प्लीज, मेकअप रूम है, तुम्हारा बेडरूम नहीं है राज। जैसे जो मेरा बेडरूम है वो बहुत जल्द हमारा बेडरूम होगा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, जो होगा हमारा होगा। प्लीज मेरा विश्वास करो, इतना एक मौका मुझे दे दो। वैसे भी कल सुबह 6 बजे तक कोई बस नहीं है, इतना समय है तुम्हारे पास सोचने के लिए, इतना वक्त तो तुम्हें अपने आप को देना ही होगा, अपनी खातिर, अपने प्यार की खातिर। घर पे सबसे कहकर आई हूँ कि वापस नहीं आऊंगी, अब क्या कहूंगी? अरे कह देना कि तुम राज की वजह से वापस आई हो, कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो चुप रहना। मैं चाहती हूँ तुम्हारी सास ताने कसेगी, तुम्हें खरी खोटी सुनाएगी, पर प्लीज सह लेना, तुमने आज तक सब कुछ बर्दाश्त किया है, सारी कोशिशें की है, एक मौका प्लीज, एक मौका मुझे दे दो। मैं जानती हूँ हम कामयाब होंगे, ट्रस्ट मी। ये लो मेरा नंबर, सोचकर मुझे फोन करना। हाँ सरिता, मुझे विश्वास है तुम मुझे फोन करोगी, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का, अपने आखिरी फेरे तक मुझे फोन करोगी ना? प्लीज सरिता, प्लीज सरिता मुझे फोन करोगी ना? सरिता मैं जानती हूँ राज बहुत जिद्दी है, लेकिन राज की जिद को तोड़ना और उसे मनाना सिर्फ मुझे आता है। राज की ना को हाँ में बदलना और उसकी हाँ को ना में बदलना सिर्फ मैं जानती हूँ। अपना कोई भी डिसीजन बस इस बात को ध्यान में रख कर लेना प्लीज।
पगड़ी पे चढ़ने के लिए एकदम कितने बेकाबू हुए जा रहे हैं। देखो तो हमारे देवर जी को। अरे चलो चलो जल्दी करो, ये लो तुम्हारा नेक। बारात मुहूर्त से एक सेकंड लेट नहीं निकलेगी, मैंने देखा छोटी बहू में। मुहूर्त चलने से कितनी दिक्कतें आती है। और सुनो, घोड़ी के लिए चने भी लेते आना। बताए, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन जितनी खुश थी मैं, आज मैं उस दिन से कई ज्यादा खुश हूं। मुझे पूरा भरोसा है छोटी बहू जब आएगी तब तेरे पापा के जाने से जो खालीपन आया ना हमारी जिंदगी में वो उसे भर देगी। 2 साल का था तू जब तेरे पापा अचानक चले गए, एक बार पलट के भी नहीं देखा हम कैसे हैं, क्या सुख दुख है हमारी जिंदगी में। भगवान करे मेरे जीवन साथी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, तेरी संगिनी तेरे साथ कभी ना करे। मुझे पूरा भरोसा है छोटी बहू ऐसा कभी नहीं करेगी, बल्कि मुझे तो लगता है छोटी बहू को देखते ही तू मुझे बुला देगा। हम वैसे भी जब शादी होगी बीवी आएगी तो अटेंशन तो उसे ही देना पड़ेगा ना। अरे ओ गौरव की माँ आई। हाँ रोहन। हेलो जीजा जी, वो दिव्या दीप। क्या हुआ दिव्या को? हाँ क्या हुआ दिव्या को? दिव्या दी मेहंदी के बाद कहीं चली गई, आपसे कुछ कहकर तो नहीं गई? आई मीन शायद आपसे मिलने आई हो। नहीं? अरे दी आ गई। अरे दी आ गई। डोंट वरी जीजू, दी आ गई। ओके अरे दी कहाँ रह गई थी आप? दी हम सब कितने परेशान हो रहे थे, कहाँ थी आप? हाँ क्या दी, आपने तो जीजू को भी परेशान कर दिया। दीप कम से कम बता कर तो जाती। चलिए छोड़िए, वैसे भी टाइम नहीं है, और आप अभी तक रेडी भी नहीं हुई। आपके मेकअप दादा नहीं है यहाँ पर, भोपाल की बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बुलाई है आपको सजाने के लिए। अरे दी आपकी मेहंदी भी खराब हो गई। अरे मेहंदी की परवाह मत करो, चलो दुल्हन को सजाना है ना। मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा सरिता। मायके से जैसे सज के आई थी वैसे ही सज के विदा हुई। खूब गंगा जमुना बहा बहा कर रोई, गले मिल मिल के रोया, और लौट के बुद्धू ससुराल को आई। ये जोक है, खून चूस चूस के मारेगी हमें, ये नहीं जाने वाली कहीं भी। अरे सीना तान के चली थी कानपुर, पहुंची ना घर से 2 गज दूर। गई तो थी आपके बेटे के वजह से, और वापस भी आई हूँ आपके बेटे की वजह से, वरना आप तीनों को तो ना दीमक चाटे, ना तिल चट्टा और ना ही जोंक। जो जोंक चिपक जाए ना वो तभी के तभी खून की उल्टी करके मर जाए। क्या कहा तूने? तू मेरे बेटे के खातिर आई है? तेरे आने से मेरे बेटे की हस्ती खेलती मुस्कान ऐसी बुझ गई जैसे जलते हुए चूल्हे में किसी ने बाल्टी भरकर पानी पलट दिया हो। से भी छोटी बहू जैसी कोई मिल जाती। अरे जाने देना माँ, नौकरों के जाने का दुख मनाया जाता है, वापस आने का नहीं। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में ना मेरे कपड़े रखे हुए, उन्हें इस्त्री कर दो, और अच्छे से करना, नहीं क्या ना उसमें एक भी सलवटी तो देखना। इस्त्री किए कपड़े पहनने का इतना ही शौक है ना, तो एक काम कर लो, किसी इस्त्री वाले से प्यार अच्छा लो। वैसे भी तुम्हारी शक्ल किसी इस्त्री वाले को ही भाएगी। उल्टा जवाब देती हो, जबान काट के हाथ में रख देंगे। हाँ सुनो, कल मुझे ना नाश्ता जल्दी चाहिए, 9 बजे तक सोते मत रहना। हाँ नहीं तो मैं बाहर से थक कर आई, एक गिलास ठंडा शरबत मेरे कमरे में भिजवा दूँ। हे कैची जैसी जबान काट दूंगे निकम्मे काम चोर। अरे हरियाणा की फटफटी फिर शुरू हो गई तेरी फटफटर, चुप।
तेरी बहू नहीं, मेरी बहू है। एक तो हरियाणा का करेला और ऊपर से जब देखो तब नीम पर चढ़ जाती है, इतनी गर्मी हो गई है बहू के पीछे ही पड़ी रहती है। तूने कभी अपनी सास की सेवा करी है जो उस बहू से हिसाब मांग रही है? बहुत हो गई तेरी ऐश, जा तेल गरम करके ला और मेरे पैर की मालिश कर। हाँ हाँ, नहीं तो बहुत हो गई। अरे मेरी तो किस्मत फूटी थी जो भोपाल छोड़ के हरियाणा में बहू ढूंढने गई अपने बेटे के लिए। अब मुझे तो यही पता था ना कि हरियाणा में बहुत गाय भैंस होती है, बहुत दूध दही होता है, लेकिन मेरे पल्ले पड़ी है गोबर निखट्टू, मौत पड़ी इसको मरे। मेरी अल्लाह की गाय, तू तो आजा मेरे गले लग जा। तू लौट के आ गई। आपके टीवी शो में चार अलग अलग मौकों पर आपको दुल्हन बने देखा है, लेकिन इस असली दुल्हन की खूबसूरती के सामने छोटी बहू कुछ भी नहीं। सच में आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज। बस अब टीवी सीरियल्स के जैसे ना वो शादी के बीच में धम धम म्यूजिक बजा के इंटरप्शन, ये सब कुछ ना हो जाए, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो जाए, सुख शांति से। दी आ गए दिल वाले दुल्हनिया ले जाने। चलो भाभी बारात आ गई, जल्दी करो। बाय दी एंड हाँ ऑल द बेस्ट। चलो भाभी जल्दी करो। चलो मुझे विश्वास है तुम मुझे फोन करोगी, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का अपने आखिरी फेरे तक। हम दोनों के बीच ऐसी बातचीत होती है, दरवाजा खोलने की आवाज, अंदर आते और बाहर जाते कदमों की आवाज, सर पर पंखे की आवाज, खाने की टेबल पर प्लेटें चम्मच और कटोरियों की आवाज, और इन सबके बीच एक लंबी खामोशी। के लिए अपनी चूड़ियों की खटकन सुनते आ रही हूं बरसों से। एक खामोश रिश्ते की कोख में सिर्फ ऐसी तो आवाजें सुनाई देंगी ना, किसी बच्चे की किनकारी थोड़ी ना गूंजेगी। पता नहीं अब ऐसे में ना जाने क्या चमत्कार करेगी वो दिव्या, ही पति के प्रयासी को हम दोनों के बीच के रिश्ते को ठीक करने की इजाजत दूं। इस बदलते दौर में
प्रेमिका पति पत्नी की दुनिया को बसा पाएगी।